दीदी, प्रॉब्लम तो है। इस लड़का ने एक लड़की से प्यार किया और जब लड़का का मतलब पूरा हुआ तब लड़की को धोखा देके चला गया। बिचारी लड़की हमारे पास आ रही है मदद के लिए। ठीक है बबली, तुम चिंता मत करो, पहले उसे आने दो। जी दादा, बहुत कौशल से ट्रक में से सामान निकाला है, बेचारा पुलिस कांस्टेबल को पता ही नहीं चला। निपन, तुमको जैसे मैंने कहा वैसे ही करते हैं ना। उस इंस्पेक्टरनी को बस कान पीस करके रहना, शांति से उसे रहने मत देना। आज मारपीट, कल हुई हिंसा, बस अशांति बनाए रखना। बस एक दिन वो ट्रांसफर लेने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक है दादा, अब बस अपन को फोन में बता दीजिएगा, अपन विशेष कट्टर रहेगा। वैसे दादा, अपन के पास एक मस्त आइडिया है। क्या आइडिया? इंस्पेक्टर ने की बड़ी बहन का प्रोडक्शन हाउस है, अगर हम वह कुछ गड़बड़ करे तो, अगर स्टोरेज में आग या किसी तरीके से नुकसान पहुंचाए तो। नॉट ए बैड आइडिया। क्या जा सकता है दादा? और एक मस्त आइडिया है अपन के पास। और क्या? इंस्पेक्टर ने की छोटी बहन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की इंजीनियर है, हमारे यहाँ का वाटर सप्लाई उसी के अंदर में है। अगर हम पीने के पानी में कुछ गड़बड़ करे तो। दादा, एक डाली के तीन फूल एक एक करके तोड़ना होगा। इतना अच्छा आइडिया, लेकिन सावधान, कांटे वाला फूल है, चुभने ना पाए, सावधानी से तोड़ने होंगे। दादा, अब अपन के ऊपर छोड़ दीजिए, अपन अपने तरीके से करेगा। हमें मौका देखकर यह आइडिया अप्लाई करना पड़ेगा। ये इंस्पेक्टर जी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लड़की होकर लड़कों की तरह काम करना चाहती है, मेरी व्यवसाय में दखल अंदाज करती है। इंस्पेक्टर नी, तूने अभी तक ये विकास चौधरी का असली रूप देखा नहीं। बबली। हाँ पिताजी। वो जो मारपीट हुई थी ना, उसका दोषी पकड़ा गया या नहीं? पकड़ा तो है पिताजी, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे और कोई है। अगर उसको नहीं पकड़ा तो ये कांड होता ही रहेगा। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ, दोषी ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा। बबली, तुम्हें तो शांति ही नहीं है, हर समय कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी खाने को छोड़ कर जाना, कभी रात को उठकर, किसी भी समय कहीं पर भी जाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। दीदी, देश सेवा के लिए मैंने शपथ खाई है, सेवा तो करना ही होगा। और आज अगर आप लोग शांति से घूम फिर रहे हो, बाहर जा रहे हो, वो सिर्फ हम जैसे देशभक्तों के कारण। हाँ, हिम्मत और लगन से तुम अपनी ड्यूटी करती जाओ। दोषी साहेब कितना भी होशियार क्यों ना हो, एक ना एक दिन तुम्हारे जाल में फंस ही जाएगा। पिताजी, उस दिन विकास चाचा मुझसे कुछ अजीब बातें बता रहे थे, जब मैं गांव के पानी की सप्लाई और नाले के निरीक्षण के लिए गई थी। क्या बातें? हाँ बताओ तो, क्या बातें? हाँ बोलो जोस्ना, क्या बातें बोल रहे थे? मतलब विकास चाचा बबली दीदी के काम से खुश नहीं लग रहे थे और बोल रहे थे कि बबली दीदी ने जो इतनी सारे दुश्मन बना ली है वो इसके लिए अच्छा नहीं है। उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा, कुछ ना कुछ रहस्य तो जरूर है पिताजी। और हाँ, वो ये भी बोल रहे थे, बचपन में हमें पढ़ाने के लिए आपने उनसे कुछ पैसे भी उड़ा लिए थे।
अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहने पर जिस इंसान को बुरा लगता है, मुझे लगता है वो इंसान भी उन लोगों से जुड़े हुए होंगे। हाँ, यस दीदी, मैं कानून के खिलाफ नहीं जा सकती, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं खड़ी होंगी ही। मैं अतीत और वर्तमान के बारे में नहीं सोचूंगी। दीदी, पिताजी, हमें चाचा से सावधान रहना ही अच्छा होगा, क्योंकि चाचा के एटीट्यूड से मुझे ऐसा ही लगा। क्या करें, अब क्या करें? उन्होंने अगर इंस्पेक्टर निको मेरा नाम कह दिया तो सर्वनाश हो जाएगा। तूने उसे समझाया नहीं था कि पुलिस के हाथ मत आए? दादा, पुलिस ने लोगों की सहायता से हमारे आदमी को पकड़ लिया। पुलिस की सहायता करने वाले तो दुकानदार है, जिन्हें आप भी अच्छी तरह पहचानते हैं। कौन है वो दोनों? ये दोनों बर्मन पान दुकानी और ये साई दुकानी ठाकुरिया। ठीक है, मैंने तो इन दोनों को सबक सिखा ही दूंगा। इंस्पेक्टर नी, तुम्हारे जीवन की रेखा कम होती जा रही है। दादा, एक आइडिया है। बोलो क्या आइडिया? दादा, गुस्से से किसी काम का सोल्यूशन नहीं निकलता, हमें इंस्पेक्टर निको मिलकर शांति से समझाना होगा। लेकिन कैसे, कब और कहा? मॉर्निंग वॉक दादा, मॉर्निंग वॉक। इंस्पेक्टर नी हमेशा फील्ड में मॉर्निंग वॉक करने जाती है, वहां पर मिलकर उसे शांति से समझाना होगा। और दादा, हमें सावधान रहना होगा, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। एकदम सही आइडिया। कल सुबह मॉर्निंग वॉक टाइम। पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बबली, एक्सरसाइज कर रहे हो? मेंटली और फिजिकली फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जी चाचा जी। बबली, तुम्हें एक बात कहना था। बोलिए, क्या बात है? एक मिनट चाचा जी। हेलो। हाँ दीदी, अपना मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, चाचा आपसे कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा चाचा जी, बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते थे? आजकल तुम्हारे न्यूज़ पेपर में, टीवी में बहुत ज्यादा आते रहते हैं। मैं कुछ समझी नहीं आप क्या बोल रहे हैं। आपका मतलब मैं समझी नहीं। मतलब इस इलाके की गुंडे बदमाशों से अगर थोड़ा दूर रहो और हर गलत मामले में आगे खड़ी ना हो तो अच्छा होगा। देखिए चाचा जी, मुझे मेरा कर्तव्यों का तो पालन करना ही होगा। मैं उन लोगों से दूर रहकर उनका सामना करना चाहती हूँ। इस इलाके का हर गलत काम मैं खत्म करना चाहती हूँ। चाचा जरूर दीदी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दीदी भी कम पानी की मछली नहीं है चाचा जी।
लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपका इसमें लाभ और नुकसान कहाँ पर है। ना ना ना, ना। लाभ नुकसान की बात नहीं है बबली, लाइफ की बहुत वैल्यू होती है। कौन कब क्या कर जाए क्या पता, बस इसलिए। चाचा जी, बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे आपकी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है, और आपने अभी जो बोला उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं कानून को धोखा नहीं दे सकती। कौन कहां क्या काम कर रहा है ये मुझे सब कुछ पता है, और बहुत जल्द मैं उन सबको पकड़ के रहूंगी। अच्छा ठीक है चाचा जी, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। गुप्त हत्या, बुद्धू, क्लास के बाद तो रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, पर कुछ तो बोला था। कोई बात नहीं। दीदी चलो घर चलते हैं। ठीक है। चाचा क्या कर रहे थे? बताया तो बहुत कुछ है, लेकिन तुमने जैसे कहा था सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, ऑफ कोर्स। चाचा जी बहुत गलत इंसान है, बहुत गलत। चलो। हाँ चलो। पिता जी। हाँ। सुंदरपुर में जो वाटर टैंक के काम हो रहे हैं ना, आज मैं वो देखने के लिए जा रही हूँ। ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है, काम बहुत जल्द खत्म करना होगा। ठीक है, तुम बस अपने पैसे में मन लगा कर काम करो, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जी पिताजी, मैं चलती हूँ। ओह, मैं फाइल लेना भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। जरूरी चीजों को क्यों भूल जाते हो? सॉरी पिताजी, मैं चलती हूँ। जाओ। इसी लोकेशन में हमारा प्रोजेक्ट का कुछ सीन होगा राहुल। जी हाँ मैडम, स्क्रिप्ट के हिसाब से हमें ऐसा ही लोकेशन चाहिए। हाँ मैम, इस लोकेशन में अगर हम मॉर्निंग आवर्स में करेंगे तो सन डिस्टर्ब देगा, तो इवनिंग आवर्स में ही करना होगा। ऑफ कोर्स, मैंने भी वही सोचा है जो तुमने कहा है। समीरन। जी मैम। स्क्रिप्ट दो तो जरा, देखती हूँ कौन कौन सा सीन है। ये सीन है मैम। हाँ राहुल। जी मैम। स्क्रिप्ट में जिस जिस सीन पे वो डबल टिक किया है ना, वो इस लोकेशन के हिसाब से देख लेना, ठीक है? ये स्क्रिप्ट ले लो। डीएफओ से परमिशन निकाल लेना, फॉरेस्ट एरिया है ना। हाँ समीरन, परसों हम लोग आके परमिशन का काम कर लेंगे। ये लोकेशन अच्छा लगेगा। अच्छा रहेगा ना, हम यहाँ से भी शॉट ले सकते हैं। देखो करिता, यहाँ की पानी बहुत गंदा हो गया है, टैंकी साफ करवाए नहीं क्या? जितना जल्दी हो सके टैंकी साफ करवाओ। लोगों को साफ पानी के बदले हम गंदे पानी तो नहीं पिला सकते ना ठाकुरिया। जी मैडम। यहाँ रात को कोई आता है क्या? और अगर आए भी तो तुम गेट मत खोलना। मैडम परसों दो लड़का आया था। हाँ। उन्होंने बोला अंदर कुछ देखना है, लेकिन मैंने गेट नहीं खोला। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, कुछ लोगों का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर जाए। अच्छा कलिता। हाँ मैडम। पानी के पाइप में सब में लॉक सिस्टम लगवा दी ना? हाँ मैडम, आपने जहाँ जहाँ बोला है आपका मुताबिक लगा दिया है। गुड, इन सब बातों का ना ध्यान रखना, लोगों को कोई तकलीफ ना हो और पानी वेस्ट भी ना हो, ठीक है? हाँ। ठाकुरिया जी चलिए। चलिए मैडम। आप सब देख रहे हैं ना? हाँ हाँ। ये सब बहुत गंदा हो गया। हाँ। और घास भी बहुत लंबा हो गया है। ठाकुरिया जी, जी आप ये सब साफ कर दीजिएगा, ठीक है? और ये सब इतना गंदा है यहाँ पर। हाँ। ये सब साफ कर दीजिएगा।
और यहाँ की पेन की काम भी हम जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं, तो आप इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ठाकुरिया जी? आप देख रहे हैं ना, और सब काम अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में जब आऊँगी तो ये सब साफ देखना होगा, ठीक है? हाँ मैडम। और ठाकुरिया जी सारा काम अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। और पानी गंदा ना हो उसके बारे में अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? लोगों को हम गंदा पानी नहीं पिला सकते ना। हाँ मैडम। चलिए। देखो ये सब घास कितना बढ़ गया है। ठाकुरिया जी, आप लोग इन सब बातों में ध्यान क्यों नहीं देते हैं? पानी टैंकी में इतना गंदा होने से पानी खराब हो जाएगा। हाँ मैडम। यहाँ पे देखो कितना गंदा हो गया है, ये सब जल्द से जल्द साफ करो, नहीं तो पानी गंदा हो जाएगा। उस साइड में भी बहुत गंदी हो गई है। हाँ हाँ। पता नहीं आप लोग क्या करते रहते हैं, अपना ड्यूटी अच्छे से करना सीखो। ठीक है मैडम। अगर पानी में कुछ गिर गए तो वो पानी पीकर लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। हाँ मैडम। कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। कर्तव्यों का तो पालन करना ही होगा। मैं उन लोगों से दूर रहकर उनका सामना करना चाहती हूँ। इस इलाके का हर गलत काम मैं खत्म करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपका इसमें लाभ और नुकसान कहाँ पर है। ना 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 ना, लाभ नुकसान की बात नहीं है बाबली, लाइफ के बाहर बेलू होती है। कौन कब क्या कर जाए क्या पता, बस इसलिए। यस चाचा जी, मुझे इन बातों से कुछ घटनाओं की गंध मिल रही है। अगर ये बात सच निकली तो चाचा जी आपके पास समय नहीं होगा बचने के। अगर आप दाल दाल है तो मैं भी पाक पाक। मुझे थाना जाने के लिए रेडी होना पड़ेगा। पल्लवी बेटी। पिताजी। बेटी जोशना। हाँ पिताजी। जरा इधर आओ तो। जी आई। क्या हुआ पिताजी? पिताजी अचानक छाती का दर्द हो रहा है, पहले ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। बबली ड्यूटी पर गई है क्या? हाँ पिताजी आज जल्दी चली गई। पिताजी कभी कभी सपने में मुझे बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ देखता हूँ, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। पिताजी आप दीदी के लिए इतनी चिंता मत कीजिए, पुलिस की नौकरी में कभी कभी बड़ी बड़ी मुसीबत में भी फंसा जा सकता है, लेकिन दीदी समझदार है और बहादुर भी, वो अपनी रक्षा करना अच्छे से जानती है। हाँ पिताजी जोशना ने बिल्कुल सही कहा है, वो हर काम कौशल के साथ समझदारी से करती है। इस इलाके में उसको खराब पाने वाले बहुत कम आदमी है पिताजी। तब भी मेरा मन कुछ ना कुछ कहता रहता है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, जब भगवान ने मुझे तुम तीनों जैसी समझदारी
और कर्तव्य निष्ठ वेतिया दी। जब मैं तुम तीनों को देखता हूँ तब खुद पर गर्व महसूस करता हूँ। तुम तीनों मेरे लिए अनमोल रतन हो। साथ साथ तुम तीनों दुर्भाग्यशाली भी हो, क्योंकि बचपन में ही तुम लोगों की माँ गुजर गई थी। माँ का प्यार भगवान ने तुम तीनों की नसीब में लिखा ही नहीं। लेकिन पिताजी, आपके प्यार और स्नेह ने हमें कभी माँ की प्यार की कमी महसूस होने ही नहीं दी। खैर, यह सब छोड़िए, आप अब आराम कीजिए। जोशना, पिताजी के लिए एक कप चाय बना के लाओ। जी ठीक है, आप आराम कीजिए। हाँ। जाओ आराम से पिताजी। बैठो। अब सच बताओ कि तुम्हारे साथ कौन कौन थे? मैडम, मैंने बोला मैं तुमको छोड़ दूंगी, सच बताओ तुम्हारे साथ कौन कौन थे? मुझे पता है तुम्हारे घर में बीबी और बच्चा है। हाँ। तो सच बता दो, मैं तुमको छोड़ दूंगी। जी मैडम। नहीं बताएगा। सच सच बता दो, कौन थे तुम्हारे साथ? मैडम सच बात बता दो, हम तुमको कुछ भी नहीं करेंगे। तुम्हारे घर में बीबी और बच्चा है, मुझे भी पता है। सच बात बोल दो, हम तुमको छोड़ देंगे। हाँ मैडम। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ठीक है, बाद में बता देना। चलो। ये लो। अरे लो, तरो मत, खाओ। ये लो, पोंछ लो। अब बताओ तुम्हारे साथ कौन कौन थे? मैडम, मैडम वो निपुण दादा था। उस दिन निपुण दादा ने हमको मारपीट करने के लिए कहा था और अपने जो ट्रक जब किया था उसका सामान भी हमसे ही निकल आया था। और मैडम आपको मारने के लिए भी ऑर्डर दिया था। तो इन सब के पीछे निपन है। निपन बेटा, तू बच नहीं पाएगा हमसे। चलो। इंस्पेक्टर निको विकास दादा ने इतना समझाया पर वो समझी ही नहीं। बेचारे मासूम लड़की। चुप, एकदम चुप। बदमाश अपसरीफ बनना चाहते हो? इतनी गैर गुजरी और गंदी सोच। चल अब जिंदगी भर जेल के अंदर रोटी खाना। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, बेटी तेरा नाम हो हर दिशा पर, तुझे आगे बढ़ना है उठा के अपने सर, बने अपने जीवन के खुशबूदार, बगीचे के फूल जैसे खुशबूदार,
बगीचे के फूल जैसे।